नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 9 जून 2018। स्वागत है आपका पेलिंग बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पीटर मरिट्सबर्ग के बारे में है। पहले आप लोकेशन देख लीजिए मैप में, उसके बाद आपको इस लोकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूँ। देखो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में ये है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में यहाँ पे देखो ये है पीटर मरिट्सबर्ग। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन? देखो, कंटेक्स्ट ये है कि हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज, उन्होंने एक ट्रेन यात्रा की पेंट्रिज से लेके पीटर मरिट्सबर्ग तक। हुआ क्या था, आज से 125 साल पहले 1893 में, 7 जून 1893 को गांधी जी जब ट्रेन यात्रा कर रहे थे और वो वाइट्स ओनली कंपार्टमेंट में बैठे थे, तो प्रेजराइज्ड ऑफिशियल्स ने गांधी जी को इसी रेलवे स्टेशन पर उतारा था, पीटर मरिट्सबर्ग। गांधी जी ने सीट छोड़ने से इंकार कर दिया था, तो उनको इस स्टेशन पे उतार दिया गया था। और इस घटना के बाद ही गांधी जी ने अपने पीसफुल रेसिस्टेंस के सत्याग्रह प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था और लोगों को मोबिलाइज किया था इस प्रकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट। पहले साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने आंदोलन किया था, उसके बाद इंडिया में आने के बाद ब्रिटिशर्स के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया। तो इस लोकेशन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर यूपीएससी पूछती है ये लोकेशन किसके जीवन काल से संबंधित है, अब देखो क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है। कौन से लीडर के जीवन काल से संबंधित है? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, या फिर किसी और लीडर का नाम आ सकता है, या फिर कौन से देश में है, किस घटना से संबंध है इस लोकेशन का? तो आप याद रखिएगा, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न एस्पेक्ट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में है, यानी DRIP। क्या कंटेस्ट है? एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए 3,466 करोड़ रुपीज एलोकेट कर दिए गए हैं, और इस प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है, यानी जो कार्यकाल है, इम्प्लीमेंटेशन टाइम है, उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है जून 2020 तक। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, वाटर रिसोर्सिस मिनिस्ट्री वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट, ड्रिप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रही है। 6 साल का यह प्रोजेक्ट है। शुरुआत में सिर्फ 4 स्टेट्स थे इस प्रोजेक्ट में, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। फिर से बोलता हूं, शुरुआत में सिर्फ 4 स्टेट्स थे इस प्रोजेक्ट में, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, लेकिन बाद में 3 स्टेट्स और भी ऐड हो गए, कर्नाटका, उत्तराखंड, झारखंड। अभी 7 स्टेट्स हैं। 7 स्टेट्स के 250 के आसपास डैम्स को इम्प्रूव करना नई टेक्नोलॉजी की सहायता से, या फिर सेफ्टी को इवेल्युएट करना, ये सब काम है ड्रिप प्रोजेक्ट के, डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट थे। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है हर एक साल, और कौन आयोजित करता है? सेंट्रल वाटर कमीशन, और जिस स्टेट में होती है उस स्टेट की सरकार मिलके। अब इस कॉन्फ्रेंस में एक धर्मा एप्लीकेशन भी लॉन्च की जाएगी, फुल फॉर्म है डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। ये इस एप्लीकेशन की सहायता से डैम से संबंधित 250 डैम्स की सेफ्टी को जो इंप्रूव करना है, उन डैम से संबंधित जो भी डेटा है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, ताकि रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के पास वो डेटा पहुंच जाए। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो भी डेलिब्रेशंस होंगी, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, वो डिसीजंस एप्लीकेशन के माध्यम से स्टेक होल्डर्स तक पहुंच जाएंगे। ये पूरा आर्टिकल था डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 15वां एडिशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग का रिलीज किया गया QS यानी क्वेकरली सिमोंस के द्वारा। इस रैंकिंग में QS के द्वारा यानी क्वेकरली सिमोंस के द्वारा 85 कंट्रीज की 1000 यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी गई। वैसे देखो, वर्ल्ड में जो 3 मोस्ट वाइडली रेड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हैं, वो है इस प्रकार से, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और तीसरी ये क्वेकरली सिमोंस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। लेकिन ये जो रैंकिंग है क्वेकरली सिमोंस की वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, इस रैंकिंग को इंटरनेशनली रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप का अप्रूवल प्राप्त है, IREG यानी इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप का अप्रूवल हासिल है QS यानी क्वेकरली सिमोंस की वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग को। अब कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी को कैसी रैंक प्राप्त हुई। ग्लोबली देखो हम बात करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई, और देखो लगातार 7 सालों से इसी यूनिवर्सिटी को, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक प्राप्त हो रही है। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज़ को कंजिकेटिवली यानी रिस्पेक्टिवली 2nd, 3rd और 4th पोजिशन प्राप्त हुई। एशिया की हम बात करें तो सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इस यूनिवर्सिटी को 11वीं रैंक हासिल हुई। 12वीं रैंक हासिल हुई
नैनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये भी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद 17th रैंक हासिल हुई चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी को। तो ये एशिया की यूनिवर्सिटीज़ की बात हुई। अब हम इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये तीन जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश से, इनको टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा इस बार देखो QS ने जो 1000 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की उसमें से इंडिया की 24 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, जबकि पिछली बार इंडिया के सिर्फ 20 इंस्टीट्यूशंस शामिल थे। तो इस बार आप कह सकते हो कि 4 इंस्टीट्यूशंस हमारे आ गए हैं टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग तैयार की गई है QS के द्वारा। और पिछली बार देखो टॉप 500 में हमारे सिर्फ 6 इंस्टीट्यूशंस थे, लेकिन इस बार टॉप 500 में हमारे 9 इंस्टीट्यूशंस हैं। IIT बॉम्बे की हम बात करें तो रैंकिंग इंप्रूव हुई है। पिछली बार जो रैंकिंग थी वो थी 179 और इस बार जो रैंकिंग है वो 17 पोजीशंस इंप्रूव हो गई है और रैंकिंग है 162। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की रैंकिंग भी इंप्रूव हो गई है, पिछली बार 190 थी और इस बार 170 हो गई है, 170। तो देखो इतनी ज़्यादा डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस एक बार सुन लिया अच्छी बात है। देखो हमने शुरुआत में बात की थी कि QS की जो रैंकिंग है उसको अप्रूवल प्राप्त है इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप यानी IREG का। ये देखो IREG एक जॉइंट इनिशिएटिव है यूनेस्को यूरोपियन सेंटर फॉर हायर एजुकेशन का, एक ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट्स के साथ जो कि क्वालिटी ऑफ एकेडमिक रैंकिंग से संबंध रखते हैं। अगला आर्टिकल वुमन सेफ्टी एक्स प्राइज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है लीफ वियरेबल, इस कंपनी के द्वारा एक डिवाइस डेवलप किया गया है। देखो ये डिवाइस, इस डिवाइस की सहायता से अगर वुमन को कोई खतरा आता है या फिर असोल्ट किया जाता है तो इस डिवाइस की सहायता से वुमन अपने नज़दीकी लोगों को सिग्नल या फिर मैसेज सेंड कर सकती हैं। तो ये डेवलप किया गया है लीफ वियरेबल के द्वारा, और इस डिवाइस को डेवलप करने के लिए इनको वुमन सेफ्टी एक्स प्राइज दिया गया है। देखो 2012 में आपको पता है जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद से ही कई सारी कंपनीज ने काफ़ी सारे सॉल्यूशंस दिए हैं वुमन सेफ्टी के लिए, और जो ये डिवाइस डेवलप किया गया है लीफ वियरेबल के द्वारा, इस डिवाइस का नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम है सेफर प्रो। यहाँ पर देखो सेफर प्रो, पहले इसी प्रकार का डिवाइस डेवलप किया गया था लीफ वियरेबल के द्वारा, लेकिन ये जो डिवाइस है वो ज़्यादा एडवांस्ड है यानी ज़्यादा अच्छे से वुमन सुरक्षा हो सकती है। अब हम बात करें एक्स प्राइज की। देखो USA बेस्ड इंडियन अमेरिकन फिलेंथ्रोपिस्ट हैं जो मानवता के लिए काम करते हैं अनु एंड नवीन जैन, इन्होंने एक्स प्राइज नाम का एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एक्स प्राइज, इस NGO के साथ मिलके ये जो प्राइज है वो डेवलप किया है वुमन सेफ्टी एक्स प्राइज। समझ गए, जैसे अगर UPSC पूछती है कि क्या ये जो एक्स प्राइज है वुमन सेफ्टी एक्स प्राइज, या ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है, इस्टाब्लिश किया गया है, या फिर UN के द्वारा इस्टाब्लिश किया गया है, नहीं, अनु एंड नवीन जैन ये मानवता के लिए काम करते हैं, मानवता की भलाई के लिए, भारतीय मूल के USA सिटीजन्स हैं, इन्होंने एक NGO है एक्स प्राइज, इस NGO के साथ मिलके ये जो प्राइज है वो इस्टाब्लिश किया है वुमन सेफ्टी एक्स प्राइज, और इस साल ये प्राइज दिया गया है न्यू दिल्ली बेस्ड लीफ वियरेबल को। इस कंपनी के द्वारा एक डिवाइस डेवलप किया गया है सेफर प्रो वुमन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी क्या है ये एक्स प्राइज और किस लिए दिया गया है और किसको दिया गया है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कंसोर्टियम फॉर वुमन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? UN इंडिया बिजनेस फोरम एक साथ आया है वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ। ये जो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है ये नीति आयोग का है, दोनों एक साथ आए हैं और दोनों ने एक कंसोर्टियम इस्टाब्लिश किया है। कंसोर्टियम का मतलब है सहायता संघ। किस लिए ये सहायता संघ इस्टाब्लिश किया गया है? ताकि स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स में जो जेंडर डिस्पैरिटीज हैं उनको कम किया जा सके। अभी देखो जो स्टार्टअप्स नए नए स्टार्ट होते हैं वो बहुत कम ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो वुमन के द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं। ज़्यादातर जो नए स्टार्टअप्स हैं वो मैन के द्वारा ही स्टार्ट किए जाते हैं, और एक बार महिलाओं के द्वारा स्टार्टअप्स स्टार्ट कर भी दिए जाते हैं तो उनको काफ़ी सारी डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, जेंडर डिस्पैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये जो कंसोर्टियम इस्टाब्लिश किया गया है ये मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दिलवाएगा, और मार्केट को किस प्रकार से लिंक किया जा सकता है वुमन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, तो इन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा इस कंसोर्टियम के द्वारा। तो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंथन करेगा ये कंसोर्टियम, और
इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करेगा। वुमन एंटरप्रेनर्स को देखो आइडेंटिफाई किया जाएगा जो WEP यानी वर्ल्ड एंटरप्रेनरशिप प्लेटफॉर्म, UN वुमन और UNDP ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी सहायता से वुमन एंटरप्रेनर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि उनकी सहायता की जा सके और उनके जो स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्ट किया जा सके और अच्छे से उनके स्टार्टअप्स आगे बढ़ें। वैसे देखो लेबर फोर्स में अगर वुमन का भी इक्वल पार्टिसिपेशन होता है मैन के साथ, अगर हम कनेक्ट करके देखें तो हम इंडिया की जो GDP है 2025 तक $2.9 trillion तक आगे जा सकती है। क्योंकि देखो वुमन लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करती तो बहुत बड़ा एक जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वुमन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में इंश्योर किया जाए। और ये जो कंपोनेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वुमन भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश करें ताकि जो उनका जो टैलेंट है वो आगे निकल के आए। इससे ना सिर्फ वुमन की एम्पावरमेंट होगी बल्कि हमारे देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। तो ये पूरा आर्टिकल था। आगे छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, क्वीन वैरायटी पाइनएप्पल, ये जो फ्रूट है इस फ्रूट को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा दो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी आप याद रखिएगा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट और अपर परवरा प्रोजेक्ट यानी नीलवांडे प्रोजेक्ट। देखो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा दो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी प्रपोजल आया था स्टेट्स की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। फंडिंग दी जाएगी अब मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देखो ये कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है वो तेलंगाना में है। इस प्रोजेक्ट के अंदर गोदावरी रिवर का जो पानी है वो इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। और उसके बाद अपर परवरा यानी नीलवांडे द्वितीय, ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में भी वाटर को इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। मंडे से हम ज्योग्राफी की लोकेशंस धीरे धीरे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया पीटर मरिट्सबर्ग लोकेशन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लोकेशन थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया, ये तो अभी अभी डिस्कस किया था, दोनों छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो थी, त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट क्वीन वैरायटी पाइनएप्पल और ये दो जो प्रोजेक्ट्स थे। डैम रिहैबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्या है ये प्रोजेक्ट, अभी क्या कंटेक्स्ट है। धर्मा एप्लीकेशन और वेबसाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था। वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। वुमन सेफ्टी एक्स प्राइज के बारे में हमने डिस्कस किया। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था कंसोर्टियम फॉर वुमन एंटरप्रेनर्स के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।